अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी स्कूल का टाइम हो रहा है तो मन्हा को मैं लेने जा रही हूँ। मौसम कभी बहुत ही अच्छा हो जाता है और कभी मौसम बहुत ही हार्ड हो जाता है कि बाहर निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और जब भी आप इस मौसम में बाहर निकलें तो सनब्लॉक का ज़रूर इस्तेमाल करें, चूँकि वो स्किन हमारी बहुत ही ख़राब होने लगती है। मैं घर आ गई थी, पाए बने हुए थे, साथ में रोटी लेते हुए आई थी और रोटी खिला के जो है ना फिर मन्हा को मैंने सुला दिया। और उसके बाद थोड़ी सी अपनी केयर भी करनी होती है, तो अभी मैं एक रेमेडी बना रही थी अपने लिए, सोचा आपको भी मैं जो है शेयर करूँ, चूँकि ये टाइम थोड़ा सा मेरा ऐसा पर्सनल होता है जिस पर मैं अपने लिए कुछ कर लेती हूँ, कुछ वीडियोज़ बना लेती हूँ। तो मैं अभी एक रेमेडी बना रही हूँ ऑरेंज के साथ। ऑरेंज का तो खैर सीज़न नहीं है, वरना अगर ऑरेंज के सीज़न हो तो आप ऑरेंज को खाने के बाद उसके छिलकों को फेंके नहीं, और उसके बाद उसको ड्राई करके आप पीस लें। पीसने के बाद जो है ना उसको आप एक अच्छे से एयरटाइट बॉक्स में रख लें, तो बहुत टाइम तक वो चलते भी हैं। लेकिन मेरे पास फ़िलहाल ये पाउडर मौजूद था, ये भी बहुत अच्छा होता है और ऑर्गेनिक है, तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। तो बस ये और है भी एयर टाइट बिल्कुल, तो जब भी यूज़ करती हूँ दोबारा बंद कर देती हूँ, तो बहुत ही वो मेरे लिए यूज़फुल रहता है आगे भी। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, 2 टेबल स्पून भरकर जो है ना मैंने ऑरेंज पाउडर लिया है, और उसके बाद जो इसमें मैं ड्राई मिल्क मिलाऊंगी। अच्छा, ये पाउडर आप ले लें एक दफ़ा, तो काफ़ी टाइम तक ये चलते रहते हैं, और मैं तो ज़रा अकेले ही यूज़ करती हूँ तो मेरा तो बहुत ज़्यादा चल जाता है, काफ़ी टाइम चल जाता है। तो ये पाउडर मैंने लिया 2 टेबल स्पून भरकर, साथ ही मैं इसमें डालूंगी ड्राई मिल्क 2 टेबल स्पून भरकर, मैं वो भी डालूंगी। ड्राई मिल्क अगर आपके पास जो भी घर में मौजूद है आप वो ले लें तो बहुत अच्छा है, और ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से जाके बाई करें। मेरे पास चूँकि चाय के लिए आता है ड्राई मिल्क, तो मैं वही डाल रही हूँ उसके अंदर। इसको मिक्स कर दें, फिलहाल हम पाउडर को ऐसे मिक्स करेंगे, और उसके बाद जो है ना इसको हम लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें बादाम का तेल डालूंगी। 1 टीस्पून 2 टीस्पून में जो हो ना मैं बादाम का तेल डालूँ, ये बिल्कुल प्योर है और ये मेरे हस्बैंड निकलवा कर लाते हैं सदर से, बहुत अच्छा होता है। इसको मैं मन्हा फातिमा को ना पिलाती भी हूँ, बच्चों को पिलाना चाहिए, इससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होता है और स्किन के लिए तो बहुत ही बेस्ट है ये। तो इसको हल्का सा मैं मिक्स करूँगी, मिक्स करने के बाद जो है इसको और थोड़ा सा मुझे लिक्विड फॉर्म चाहिए, तो मैं इसमें रोज़ वाटर डाल रही हूँ। आप चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं या सादा पानी भी डाल सकते हैं। लिक्विड दूध मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने पाउडर फॉर्म में दूध डाल दिया है, तो मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, साथ ही मैं इसके रोज़ वाटर डाल रही हूँ। रोज़ वाटर बस इतना ही हम डालेंगे कि ये जो मिक्सचर है ना, ये जो हम पेस्ट बना रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा रनी फॉर्म में भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, कि चेहरे पर अप्लाई ना हो सके। इसको आप बस इतना ही लिक्विड बनाइएगा कि ये आपके चेहरे पर ठहर जाए, और जब आप मसाज करें तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डनेस महसूस ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा रनी रनी सा हो कि वो चेहरे पर ठहरे ही नहीं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं इस पेस्ट को बनाने का। बस इसको अच्छे तरीके से मैंने जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में कर लिया, मतलब थोड़ा सा पेस्ट अच्छा सा बना लिया। अच्छा, जब भी कोई रेमेडी आप लगाएं ना तो आप इसको फेस पे ना लगाएं, इसको अपने गर्दन पे भी लगाएं। हम क्या करते हैं अपने चेहरे पे बहुत मेहनत कर लेते हैं, चेहरे को बहुत अच्छा सा बना लेते हैं, और गर्दन बेचारी जो है ना वो हमारी बिल्कुल सतीली हो जाती है, उसको हम कुछ करते ही नहीं है। तो फेस और गर्दन जो है बहुत ही अलग अलग सा लगता है, बहुत बदनुमा सा महसूस होता है। तो गर्दन भी हमारी बॉडी का ही हिस्सा है, तो उसको भी अपना ही समझें और उस पर भी उतनी ही तवज्जो दें जितनी हम अपने स्किन पर करते हैं। अच्छा, इसको अप्लाई करने के लिए जो है ना, अप्लाई करने से पहले आप चेहरे को अपने अच्छे तरीके से वॉश कर लें, उसके बाद उसको ड्राई करें, और ड्राई करने के बाद इस पेस्ट को आप अपने हाथों से ही अच्छे तरीके से लगाएं, और लगाने के बाद 5 मिनट तक मसाज करें। मसाज करने के बाद जो है ना इसको आप छोड़ दें तकरीबन 15 मिनट्स के लिए कि ये ड्राई हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा चेहरे पे आप जब भी आप मसाज करें तो हाथ अपना बहुत हल्का रखें, बहुत तेज़ तेज़ हाथों को फेस पे ना रगड़ें, उससे चेहरे की स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा नरम होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसको अगर हम बहुत हार्ड तरीके से करेंगे तो स्किन हमारे ख़राब होने का ख़तरा भी होता है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से नरम नरम हाथों से इसको आप पेस्ट करें, मसाज करें। मसाज करने के बाद इसको आप छोड़ दें तकरीबन 15 मिनट के लिए। जब ये ड्राई होने लगे तो उसको हल्का सा रोज़ वाटर डाल के थोड़ा सा गीला कर लें, और उसके बाद फिर हल्का हल्का सा मसाज करके ठंडे पानी से इसको आप उतार लें। इसमें जो है ना आप थोड़ा नॉर्मल पानी भी यूज़ ना करें, तो इसको आप थोड़ा सा ठंडा पानी ही इस्तेमाल करें, बहुत ड्राई स्किन आपकी रहती है। ये देखें, ये तकरीबन ड्राई हो गया था 15 मिनट के बाद, ये अच्छा खासा ड्राई होने लगा था। बस इसको मैं हल्का हल्का सा पहले मसाज करूँगी रोज़ वाटर डालकर, और उसके बाद मैं ठंडे पानी से इसको धो लूँगी। धोने के बाद मेरा हाथ इतना अच्छा नरम हो गया था, मेरे राइट हैंड के मुकाबले में लेफ्ट हैंड बहुत ही नरम, और उसकी स्किन बहुत ही स्मूथ सी हो गई थी। तो अभी वीडियो में तो इतना खास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन सामने जो है ना बहुत क्लियर फ़र्क नज़र आ रहा था।
इस रेमेडी को आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और जब आप 30+ हो जाएँ तो अपने स्किन पे थोड़ी सी खास तवज्जो दे दिया करें, क्योंकि फिर स्किन बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है और हम लोग हाउस वाइफ जो है ना वो घर के कामों में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम लोग ये सब चीज़ें ना छोड़ देते हैं, अपने आप को इग्नोर करने लगते हैं। तो अपने आप को इग्नोर कभी ना करें, सबसे पहले आप अपने आप को ही अहमियत दें, घर के काम भी करें, बच्चों को भी देखें, हस्बैंड को भी देखें, लेकिन अपने घर के काम भी करें। वीडियो को ख़त्म करती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।